हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं अभी नया व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का। तो मैं हो गई हूँ तैयार, घर का काम सब निपट गया है, हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और ये मम्मी नानी, मतलब मेरी मम्मी लोगों के घर जा रहे हैं हम लोग। तो वहाँ जाके मिलते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली थी वो सरप्राइज़ के बारे में, हम मतलब क्या कर रहे हैं आज, तो मैं उसके बारे में आज आपको वहीं जा कर के दिखाऊँगी हम लोग क्या कर रहे थे रोज। तो ठीक है, मिलते हैं वहीं पर, बाय बाय तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, देखो ये मम्मी बैठी हुई है और ये नानी जो फोन में जाग गई। और ये देखो ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, चला जाओ। अभी अंकु और मैं जा रहे हैं, हम दोनों दुकान जा रहे हैं। तो अभी स्कूटी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम सामान लेके आ जाते हैं। क्या बोल रही हूँ अंकु, तू स्कूटी में बैठ गई हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर स्कूटी में। अब हम, मैं और अंकु जाते हैं। मैं अभी अंकु इंतजार कर रही हूँ, अभी अंकु चाबी लेके आ रही है। मैं स्कूटी निकाल दी और मैं भूल गई कि मैं स्कूटी की चाबी नहीं लाई। अभी स्कूटी की चाबी लेने गई अंकु, अभी लेके आएगी, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये आगे है अंकु, उनको आ गया तैयार होके। अरे ऐसे मटक मटक के जल्दी आ, चाबी दे। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the. मैं, हम लोग आ गए हैं घर वापस। ये देखो अंकु और ये मैं हूँ। ये देखो नाना जी, मैं लग रहे माँ, नाना जी क्या कर रहे हैं आप? खूब माल खा पाना। क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए फ्रेंड्स, ये नई स्कूटियाँ है मैस्ट्रो की, ये इन्होंने निकाली है। अंकित मिठानी है उनका नाम, मेरे मामा जी लगते हैं वैसे वो रिश्ते में, उनकी स्कूटियाँ। ये देखिए कैसी लग रही है आपको। खालो आलू का चिप्स है, आलू मिठाई डली होती है वो है उसके अंदर ही मिठाई डब्बे के अंदर। खोलो, हाँ खोलो डब्बा। ये तो उसकी है ना, निकाल लो, निकाल लो, खालो। लौकी है ना, लौकी, हाँ, भुजेला, भुजेला वो कोरिया और उबाला है वो, और उसका पात बनाया और घोटा 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 और उठा जो मैं ऊपर थप थप आ दिया और ये ऊपर आ गया पात भाई बन गया। अरे कितने मेरी फोटो छाप दी थी ये है रे, कितने मेरी फोटो छाप दी, 6 रुपए का इनके फेवरेट। देखो छे छे सारे पांच का ले लो बोला। हाँ ये अंकु है, ये अंकु छुपड़ी कि मुझे कोई रखना है, अभी मैं दिखा नहीं देती ना तुझे, मजा आया। आज हम बाज़ार से लेके आए हैं कुछ खाने की चीज़ें, तो अभी हम उसको गर्म करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं और हम कैसे कैसे खाएंगे। ये हमने गैस में कढ़ाई, अभी हम ये खोल देते हैं पैकेट, अभी ये निकालती हूँ मैं। ये क्या है इसमें, है ये है ग्रेवी, इसमें ग्रेवी है और ये है सूप, इसके अंदर सूप है। ठीक
ठीक है। और ये है मंचूरियन, ये है ड्राई, अभी ये खाली पकौड़े पकौड़े हैं मंचूरियन के, ये पूरे मतलब बने हुए नहीं है। और ये इसकी ग्रेवी है ड्राई मंचूरियन की, और ये है सूप इसके साथ। तो सूप को हम इसमें गर्म कर देते हैं फ्राई पैन में। अभी हम इसको खोल देते हैं थोड़ा, ये पैकिंग थोड़ा टाइट आती है ना, ये थोड़ा लिक्विड है, तो अभी हम इसको डाल देते हैं इसमें। ये थोड़ा शाइनिंग भी है सर, तो ये सूप हमने इसमें डाल दिया है। देखो फ्रेंड्स, इसको हमने गैस में गर्म करके रख दिया है, ये जब तक गर्म हो जाता है तब तक ये इसमें डाल दी है ग्रेवी। ये देखो ग्रेवी ये हमारे इधर पे चाउमीन वाले भैया हैं, वो मतलब मंचूरियन के लिए ज़्यादा फेमस है, बाकी वहाँ पे चाइनीज आइटम सभी कुछ मिलता है, तो वहीं से हम ये लेके आए हैं। अब गैस ऑन करना तो मैं भूल ही गई थी, अभी गैस ऑन कर देती हूँ। अभी इसको हम थोड़ा चला लेते हैं। ये देखिए हमारा सूप हो रहा है, ऑलमोस्ट बॉइल हो गया है, अब थोड़ा और रह गया है ये खद्दा निकले। मेरे हस्बैंड को ना मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा वहीं से लेके आते हैं और उसी की दुकान के पसंद है। मैं इसे खोल देती हूँ, ये मंचूरियन वाला जिसमें है ये मंचूरियन बॉल्स, तो ये मेरे से खुल नहीं रहा, मैं इसे ऐसे फाड़ देती हूँ और खुल ही गया है। ये देखिए ये है हमारे बॉल्स जो पकौड़े बने हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा सूप उबल गया है, हो गया है रेडी, ये भी हमारा हो गया रेडी। देखिए इसमें जैसे बॉईल आ गया है अच्छे से, मतलब पक गया है। अभी मैं इसमें ये भी डालूंगी, ये मैं इसमें पकौड़ी भी डाल देती हूँ, जो मंचूरियन वाली पकौड़ीज हैं एक मैं निकाल देती हूँ अपने खाने के लिए। इसको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस ऐसे ही इसको करते रहना है, और ये मतलब कि इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर ये ड्राई मंचूरियन हमारा हो जाएगा रेडी। अगर हम बाजार से इसको बना के लेके आते हैं तो ये क्या होता है कि सौगी हो जाता है घर लाते लाते ना, तो थोड़ा हमारा घर दूर पड़ता है दुकान से, तो हम इसलिए इसको ऐसे ही लेके आते हैं हमेशा, और घर में ला करके इसको बनाते हैं, तब ये ज़्यादा ड्राई नहीं रहता है, तब ये थोड़ा हार्ड हार्ड से रहती है इसकी ये पकौड़ी जो रहती है इसमें मंचूरियन बॉल्स जो है। ये हमारा सूप भी हो गया रेडी और हमारे ये मंचूरियन भी हो गए हैं रेडी। अब मैं सर्व करके फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको देखो ये क्या है, पंच प्रमाण बंदी है यहाँ पे, आते जाता कुछ नहीं इसको, अभी गैस इधर में भी पहुँचती नहीं है पूरा अच्छे से, अभी छोटी है ना इसलिए अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये गर्म हो गए हैं, बन गए हैं, इसको अब हम सर्व कर देते हैं। फ्रेंड्स
Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए घर। अब हम लोग पीते हैं चाय, आरती आरती करते हैं, खाना खाते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।